देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के 15 बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम सऊदी के बदलाव का क्रेडिट ले रहे हैं। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है जवानों के शहादत पर, उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद नेपाल सिंह ने कहा सेना रोज मरते हैं, कोई ऐसा देश बताओ जहां सैनिक नहीं मरते हों। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनानी चाहिए। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है मुजफ्फरनगर के अतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने एक रैली में कहा हिंदुस्तान दाढ़ी वालों का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेताओं के बीच मूंछ और पूंछ के बाल के जैसा अंतर है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है किम जोंग ने अमेरिका को दी धमकी, कहा हल्के में ना ले मुझे, मेरे हाथ में है परमाणु बम का बटन। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1625 करोड़ की मदद रोकी। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाले अमेरिकी सहायता बंद करते हुए कहा पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिकी नेता मूर्ख होते हैं। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जनता दल एस के अध्यक्ष HD देवगौड़ा से मुलाकात कर कांग्रेस ने कहा कि यहां नहीं पकेगी दाल। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है नीतीश कुमार ने 3000 साल पुराना अवशेष खोज निकाला जिससे इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है विजय केशव गोखले होंगे नए विदेश सचिव, एस जयशंकर की लेंगे जगह। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है जैश ने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 17 वर्षीय आतंकवादी खांडे का वीडियो जारी किया जिसमें खांडे मुसलमानों से जिहाद में शामिल होने की अपील कर रहा है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है नए साल के मौके पर मुंबई के पब में जबरन युवती को किस करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है रमीज राजा ने राहुल द्रविड़ की तारीफ करते हुए कहा कि युवा क्रिकेटरों को द्रविड़ जैसा टीचर और मेंटर मिलेंगे तो वह उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है बॉलीवुड में फेमस सिंगर सुनिधि चौहान 9 वर्ष यानी 1 जनवरी को माँ बन गई। ये थी आज दिन भर की 15 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रह सकें।